हेलो एवरीवन, आई एम नितिका मैम योर के जी डेफोडल टीचर के वेलकम टू आर के जी क्लास टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक एंड आर टॉपिक इज आर टॉपिक इज एयर हैज नो वेट कि एयर में वेट नहीं होता ओके इन आर प्रीवियस वीडियो यू लर्न अबाउट एयर आपने एयर के बारे में लर्न किया था ना जब मैं आपने पहले वाले वीडियोज़ देखे आपने एयर के बारे में लर्न किया था ना कि एयर कैसे स्पेस लेती है और कहाँ होती है हमें कौन देता है तो आज हम क्या लर्न करेंगे कि एयर में वेट नहीं होता अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एयर में वेट नहीं होता तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट ओके बट एक्सपेरिमेंट से पहले मैम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ओके okay. और आप मुझे आंसर करेंगे क्लियर ओके टेल मी कि आपने कभी हवा में सूखे पत्ते उड़ते हुए देखे हैं येस और नो वेरी गुड येस पर वो क्यों उड़ते हैं कैसे उड़ते हैं हवा से उड़ते हैं बट वो कैसे उड़ते हैं क्योंकि वो लाइट होते हैं बहुत हल्के होते हैं और वो एयर के साथ इजीली मूव करते हैं ठीक है ऐसे ही सैंड देखिए ना अपने उड़ते हुए रेत उड़ता है हवा के साथ रेत भी उड़ता है कई बार जब हवा थोड़ी तेज़ चलती है तो रेत भी उड़ना लगता है क्योंकि वो सूखा रेत होता है वो भी बहुत हल्का होता है ठीक है और वो एयर के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है क्लियर अब आपको पता लग गया है ना कि एयर के साथ क्या मूव करता है जो थिंग्स हल्की होती हैं लाइट वेट होती हैं बहुत हल्की होती हैं वो एयर के साथ उड़ना स्टार्ट कर देती हैं मूव करना स्टार्ट कर देती हैं क्लियर सो किड्स नाउ लेट स्टार्ट एक्टिविटी इसके लिए मैंने एक कांच के बाउल में थोड़ा सा वाटर लिया है और उसमें ये शैम्पू डाला है अब हम शैम्पू को वाटर में मिक्स कर देंगे और हम क्या बनाएंगे बबल्स ठीक है और बबल्स कैसे बनाऊंगी मैं मेरे पास एक ये स्ट्रॉ है मेरे पास क्या है एक स्ट्रॉ और स्ट्रॉ से मैं इसमें एयर ब्लो करूंगी और इसमें क्या बन जाएंगे बबल्स ये देखिए बबल्स बन गए और इन बबल्स के अंदर क्या है एयर और मैं इसे अब अपने माउथ से एयर ब्लो करूंगी और फिर इसको ये हवा में उड़ने लगेंगे लाइक दिस अब मैम आपको एक और वे दिखाएंगे आप स्ट्रॉ को ऐसे शैम्पू वाले वाटर में टच करेंगे ठीक है और उसको फिर हम एयर ब्लो करेंगे तो उसमें से ऐसे बबल्स निकलते हैं वन मोर टाइम ये और ये बबल्स एयर में मूव करते हैं ये बबल्स एयर में मूव करते हैं ओके okay? क्लियर और ये बबल्स एयर में क्यों मूव करते हैं क्योंकि इसमें एयर बहुत लाइट होती है बहुत हल्की होती है और जिससे ये एयर के साथ साथ मूव होते रहते हैं ओके okay? जिस साइड एयर जाती है ये एयर के साथ साथ मूव होते रहते हैं क्लियर एंड हेयर वन मोर वर्क फॉर आपने क्या करना है कि आपने बलून्स को ब्लो करना है उसमें एयर ब्लो करना है और उसे अपने आप हैंड पे अपने हैंड पाम पे रखेंगे और आप फील करेंगे उसका वेट ओके okay? कि वो हैवी है या लाइट है बलून के अंदर क्या है एयर और वो कैसी होती है बिल्कुल लाइट हल्की उसमें वेट ही नहीं होता है है ना ऐसे होते हैं ना बलूनस भी एयर के साथ मूव करते हैं उड़ने लगते हैं तो आपने ये एक्सपेरिमेंट भी करना है हाउस में ओके टिल देन बाय